Hello guys, welcome to my YouTube channel Learning with PVN. I am Priyanka. Today I will discuss a new oral contraceptive pills, Saheli. Let now see Saheli. क्या आप जानते हो सहेली क्या होता है? नहीं ना? तो मैं आज आपको बताऊंगी सहेली क्या है. सहेली एक oral contraceptive पिल्स है जो फीमेल्स लेती हैं. और जो ये जो इसके किसने कौन सा साइंटिस्ट ने बनाई थी, ये बनाई थी CRDI. इसका मतलब है सेंट्रल रिसर्च ड्रग्स इंस्टीट्यूट. ये कहां पे है? इन लखनऊ. ये लखनऊ में है. ये क्या होती है? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है फॉर फीमेल्स. ये कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी? साइंटिस्ट कहाँ के थे? सेंट्रल रिसर्च ड्रग्स. ये एक ड्रग्स है, ठीक है. और ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, ठीक है. इसको हम कब लेते हैं? वंस इन अ रुक गई वीक में एक बार ही लेते हैं हम इस पिल्स को. इसको क्या बोलते हो? सहेली. इसके अंदर क्या होता है? सहेली कंटेन सेंटर क्रोम जो क्या करती है? ये है एस्ट्रोजन रिसेप्टर. क्या करती है ये? मॉड्यूलेशन करती है ऑफ एंड्रोमेट्रियम. यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पे करती है. अब मैं आपको इसको डायग्राम के साथ समझाऊंगी, तो एक बार आप देख लो क्या क्या होता है. बता देती हूँ सहेली क्या होती है. न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है. ये वीक में एक बार ही लेते हैं. ये नॉन स्टेरॉइडल होती है. इसके अंदर सेंट्रोक्रोमन प्रेजेंट होता है जो मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन करता है. इसे हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी कहते हैं. और ये कौन से साइंटिस्ट ने करा था? CRDI, वेरी इंपॉर्टेंट, इन लखनऊ. क्या है? सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट. नाउ सी, मैं रफ कर रही हूं, एक बार देख लो. अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी. क्या इसका मॉड्यूलेशन? लाइक दिस, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है. यहां पे थिकनिंग होती है. एंडोमेट्रियम किसकी लेयर होती है? यूट्रस की. इनर पता होना चाहिए आपको. इनर होती है. ये देखो, मैं ये थिकनिंग जब इम्प्लांटेशन के टाइम इसकी थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम लेयर की.
थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और मैंने क्या बताया था, पिल्स का क्या नाम बताया था, ये नॉन स्ट्रॉइडल होती है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है सेंट्रल क्रोमन जो मॉड्यूलेशन कराता है एस्ट्रोजन, मॉड्यूलेशन एस्ट्रोजन रिसेप्टर। नाउ सी देखो जो ये रिसेप्ट, यहाँ पे देखो ये एस्ट्रोजन, जब एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन होता है तो हमारे कुछ हॉर्मोन्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है ना एस्ट्रोजन, यहाँ पे एस्ट्रोजन की होने लग जाते हैं, तो ये रिसेप्टर भी होते हैं, कुछ साइट भी होती है ना, मतलब ये देखो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, इससे जाके बाइंड हो जाता है, बाइंड टू रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये किसके लिए थिकनिंग किसके लिए होती है, इम्प्लांटेशन करने के लिए ना, और ये बाइंड कर जाएगा इसके साथ एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन को। जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो यहाँ पे थिकनिंग नहीं, स्टॉप हो जाएगी, थिकनिंग स्टॉप, थिकनिंग। अगर स्टॉप हो जाएगी थिकनिंग तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इसका यही है मेन। अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ क्या होता है। ओ ये होती है सहेली, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो फीमेल यूज करती हैं, और ये वंस इन अ वीक, वीक में एक बार ली जाती है, और इसके साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने बनाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, CRDI सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, लखनऊ में। और ये नॉन स्ट्रॉइडल होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोक्रोमन जो रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन मॉड्यूलेशन करने के लिए, उसके एंडोमेट्रियम की लेयर को मॉड्यूलेशन करने के लिए। जब मॉड्यूलेशन कैसे होगा, जब हमें पता है जब इम्प्लांटेशन होता है तो क्या कहते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, लाइक दिस एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन उस टाइम ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम लेयर की। और जो यही पिल्स होती है, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ये ना एस्ट्रोजन से बाइंड कर लेती है, बाइंड करके ये प्रिवेंट कर देती है स्टॉप ऑफ थिकनिंग, थिकनिंग को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता। इसी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता तो ये एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं हम इसे। यही था, और थैंक यू, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।